अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल हक सुरेजा फ्रॉम फोर्थ ईयर इवनिंग। आवर मेन टॉपिक इज ईटिंग डिसऑर्डर, इन विच द सब टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। व्हाट इज ARFID? ये बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इसे पहले सेलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इट इज़ करेक्टराइज बाई हाईली सेलेक्टिव ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जो पेशेंट होते हैं वो सेलेक्टिव फूड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये एनोरेक्सिया नर्वोजा से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों में जो है जो पेशेंट है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये चिल्ड्रेन में ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इसका कोई रूट कॉज नहीं है। जो पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइकोसोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा, जेनेटिकली भी ये हो सकता है, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स जो जेनेटिकल भी हो सकता है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो सकते हैं, और एक कॉज इसका ऑटिज़म भी हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखते हैं हम, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ड्रामेटिक वेट लॉस, डाइजेस्टिव इश्यूज, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ फूड, फीलिंग कोल्ड, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, फियर ऑफ वॉमिटिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? वो है कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, फेलियर टू गेन वेट, GI कॉम्प्लिकेशंस हैं, माल न्यूट्रिशन है और लो पोटेशियम लेवल, एरिथमिया हो सकता है, डिजीनेस, डेवलपमेंटल डिलेज, ये सारे कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक है, जिसमें जो है पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है, उसको गाइड किया जाता है कि और उसको में पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे न्यूट्रिशनल थेरेपी है, इसमें पेशेंट को गाइड किया जाता है कि कौन सा फूड उसको यूटिलाइज करना है, किस टाइम पर यूटिलाइज करना है ताकि उसको बॉडी वेट को रिस्टोर किया जा सके। और इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी है, ये सारी थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। अगर किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। क्यों? ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइज करने की नौबत भी आ सकती है। तो फिर एडमिट किया जाता है पेशेंट को और उसके जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वगैरह है उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, नाउ केस, लेट्स लुक एट अ स्पेसिफिक केस। जॉन, अ फॉर्मर एडोलेसेंट पेशेंट विद एन अप्रॉक्स 3 year हिस्ट्री ऑफ ARFID। अकॉर्डिंग टू जॉन्स मदर एलिजाबेथ, द ARFID हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन नॉट जस्ट जॉन बट ऑल्सो ऑन अदर्स इन द फैमिली। आई ऑफन फेल्ट डिफीटेड बिफोर डिनर इवन बिगेन बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज not predictable. Elizabeth shares, his acceptable dinner choices were very narrow. Initially, John struggled with portion sizes and frequently complained of being full, fearing stomach pain and believing he would naturally vomit if eating too much. John started treatment with a limited list of food he was willing to eat, given that John had a significant food allergy and a recent history of anemia. His mother was fearful that his condition would be near impossible to treat and his medical state would only worsen. Elizabeth has baffled by how quickly the ARFID had affected John's health. He had reached a plateau, then a decline in his growth chart. He was considered malnourished with a BMI below average. The first few program nights were certainly challenging. John would become very tearful and fearful during family dinners at program.
द इनिशियल गोल वॉज टू हैव जॉन टेक वन मोर बाइट देन ही वॉज कम्फर्टेबल विद, अ टेक्निक यूज प्राइमरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडोलेसेंट हु रिस्ट्रिक्ट फूड इनटेक। अर्ली इन ट्रीटमेंट जॉन्स मदर वुड सर्व हिम अ लार्ज सर्विंग ऑफ अ टाइप ऑफ फूड ही वॉज कम्फर्टेबल विद। दिस वे द पोर्शन प्रोवाइडेड इनफ सब्सटेंस टू वेट रिस्टोर विच वॉज वन ऑफ हिज ट्रीटमेंट गोल्स। इन एडिशन जॉन्स मदर इनकॉर्पोरेटेड टेस्ट फूड्स इन टू हिज मील्स। Sample size servings of foods that had previously given John anxiety or foods he had never tried. This sent John the message that she was going to challenge him, but not overwhelm him. With a serving of something his eating disorder told him was horrifying. Thank you.